सर क्या स्थिति है वर्तमान में? वर्तमान में देखिए, पिछले एक हफ्ते से जो कोविड के पेशेंट आ रहे हैं उनका आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ जो सीरियस हालत में मरीज़ आ रहे हैं उनका आंकड़ा भी बढ़ रहा है। कई पेशेंट ऐसे हालत में आ रहे हैं कि वो यहाँ पर आते आते कई बार इतनी सीरियस हालत में होते हैं कि यहाँ कुछ मिनट तक भी ज़िंदा नहीं रह पाते। तीसरी बात यह है कि क्योंकि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में और ख़ासतौर से गुड़गांव में भी वहाँ पर करीब सारे बिस्तर भर गए हैं, तो हमारे पास दिल्ली, गुड़गांव और इवन गाज़ियाबाद और आसपास के और ज़िलों से भी रोगी आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारे जो अस्पताल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया था। लेकिन हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और बाकी वर्कर्स हैं वो सारे कोप अप कर रहे हैं और उनकी ड्यूटी जगह जगह लगा दी गई है। और हमने इस वक्त करीब जो 350 बेड हमारे हैं इनमें 11 इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं जिनमें वेंटिलेटर की सुविधा है, मल्टीपैरा मोनीटर्स की सुविधा है और हर तरह की दवाई भी मिल रही है। जो रेमडेसिविर है वो परसों ही पर्याप्त मात्रा में हमें उपलब्ध करा दी गई है। एक और दवाई है टॉसिलिज़ुमैब वो जो कम है, और हमें उम्मीद है कि ये भी जल्दी ही आ जाएगी। हमने इसके बारे में मुख्यमंत्री जी से भी बात की है और हमें ये आश्वासन दिया है कि दवाइयों की कोई कमी नहीं होगी। ऑक्सीजन जो है, लिक्विड ऑक्सीजन का कोटा हमारा जो तय किया गया है उसे भी बढ़ाने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी से कहा है और हमें आश्वासन दिया गया है कि हमारी जो लिक्विड ऑक्सीजन का कोटा है वो भी बढ़ा दिया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये लड़ाई जो है ये तो लंबी है, लेकिन हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज हैं ये भी इसमें पूरी तरह से जूझे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि हम सब पूरी तरह कामयाब होंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह से पीजीआई के ऊपर लोगों का भरोसा था जी, अब भरोसा टूट रहा है जी, बिल्कुल नहीं। लोग कह रहे हैं कि अगर पीजीआई में चले गए तो मर जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, हमारे डॉक्टर्स नर्सेज दिन रात काम कर रहे हैं और मरीज़ हमारे पास ज़्यादा सीरियस हालत में आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सारे डॉक्टर्स अंदर अपनी जान को परवाह ना करते हुए रोगियों की केयर कर रहे हैं। आपके पास ऑक्सीजन पूरी मात्रा में है? अभी ऑक्सीजन धीरे धीरे रिप्लेनिश हो रही है। हमारे 3 ट्रक जो हैं लगातार जहाँ से हमारे गैस सिलेंडर भरे जाते हैं वहाँ से ला रहे हैं। इसके अलावा लिक्विड ऑक्सीजन गैस जो हमारे 3 लिक्विड ऑक्सीजन टैंक्स हैं जिसकी कैपेसिटी 30 किलो लीटर है, वो भी लगातार डेली जो एक कंपनी है उसके माध्यम से भरे जा रहे हैं। अभी पेशेंट को क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या कहना चाहेंगे पीजीआई की तरफ से? हम ये कहना चाहेंगे कि पीजीआईएमएस में जो कोविड के इलाज के लिए पूरी सुविधाएं हैं और इसके अलावा जो नॉन कोविड के पेशेंट हैं वो भी जो इमरजेंसी में आ रहे हैं, हमारे पास करीब डेली 1200-1300 पेशेंट कोविड के अलावा अलग अलग बीमारियों की वजह से आ रहे हैं और किसी भी सीरियस मरीज का इलाज करने से कोई मना नहीं कर रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।